अकलमंद भैंसा। एक वक्त की दास्तान है। एक छोटे से गांव में एक काश्तकार रहता था जिसका नाम था एडगर। वो एक छोटे से घर में रहता था और वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े का मालिक था। एडगर का एक भैंसा था जिसका नाम था बाउंटी। ये एक गैर मामूली सा नाम था और इसके अपने ही वजूहात थे। आप देखें, अपना भैंसा मिलने से पहले एडगर एक बहुत ही गरीब इंसान था। बाउंटी ने सचमुच अपने इस इंसानी दोस्त के लिए बहुत मेहनत की। उसके पास यही एक भैंसा था और वो दिन रात उसी से पूरा खेत जोतता। वो भैंसा एडगर की कई किस्म के कामों में मदद करता। जल्द ही एडगर सब किस्म के अनाज अपने खेत में उगाने लगा। एडगर को अपने आस पड़ोस में बहुत इज्जत अफजाई हुई, क्योंकि इतनी बहुतायत में उसे हासिल हुआ था, इसलिए उसने अपने भैंसे का नाम बाउंटी रखा। बाउंटी एक खास भैंसा था। वो अकलमंद था और हमेशा जोश से भरा रहता था। एडगर को ये इल्म था कि बाउंटी एक आजाद जमीर का मालिक है। वो अक्सर घूमता फिरता जब कोई काम नहीं होता और वो शाम को घर वापस आता। जैसे वक्त गुजरता गया, एडगर एक और भैंसा लाया। वो बाउंटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर उसने ये भी महसूस किया कि काम का बोझ ज्यादा हो रहा है और उसे बांटने की जरूरत है। एडगर अपने मवेशी को थकाना नहीं चाहता था। एक दिन हल जोतते वक्त बाउंटी आधे रास्ते में ही बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। बाउंटी। एडगर अपने दोनों भैंसों को वापस घर लाया। उस रात एडगर बिल्कुल सो ना सका। उसको इस बात का इल्म हो गया था कि वक्त आ गया है कि बाउंटी को जाने दिया जाए। अगले दिन वो बाउंटी को जंगल में ले गया और उसके गले से घंटी उतार ली। बाउंटी ने खुशी खुशी सर हिलाया। बाउंटी, तुम एक नेक भैंसे हो। मैं कभी भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकूंगा, कभी। अब तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा मेरे दोस्त। जाओ घूमो फिरो और इस जमीन में तलाश जारी रखो। मुझे अब रुलाओ मत। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। तुम्हें रास्ता मालूम है। बाउंटी अपने इंसानी दोस्त को छोड़ते वक्त गमगीन था, पर वो ये भी देखने के लिए बेताब था कि आगे क्या रखा है। वो खुशी खुशी चलने लगा, ताजी हवा का लुत्फ उठाने लगा। वो बेखौफ होकर पूरे जंगल में घूम रहा था। उसने झरने से पानी पिया और रास्ते में उगी घास चरी। जल्द ही सूरज गरूब होने लगा। अंधेरा हो रहा था। बाउंटी ने आसपास देखा आराम करने के लिए महफूज जगह की तलाश में, और वो उसे मिल गई। वो गार बिल्कुल तालाब के करीब है। ओला ला, ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ काफी गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए माकूल जगह है। ओए, क्या मैं थक गया हूँ। ये चहलकदमी मुझे जिराफ की तरह दुबला पतला बना देगी। बाउंटी उस गार में रहने लगा। वो तालाब से पानी पीने लगा, नजदीक ही चरता और गार के अंदर पुरसुकून सो जाता। कई दिन गुजर गए और बाउंटी को जंगल में अपनी ये जिंदगी रास आने लगी। पर एक पालतू भैंसे होने की वजह से बाउंटी एक बहुत ही मामूली और मासूम जानवर था। उसे ये इल्म नहीं था कि ये जंगल बहुत से दूसरे जानवरों का बसेरा भी है और वो तमाम जानवर उसी की तरह मासूम नहीं थे। इस दौरान जब बाउंटी अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ कोई मौजूद था जो इस भैंसे पर नजर रखे हुआ था। टिमी लोमड़ी। रोजाना जब बाउंटी अपने गार से बाहर जाता इधर उधर चहलकदमी के लिए, टिमी दबे पांव हर जगह उसका पीछा करता। बाउंटी हमेशा अपने रोजाना के कामों में इतना मशरूफ रहता कि उसे कभी टिमी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ये भैंसा बहुत बहादुर है कि तन्हा ही ये पूरे जंगल में घूमता फिरता है। वैसे या तो वो बहुत बहादुर है या इंतहा ही मूर्ख है। मेरा मतलब है, क्या वो इससे वाकिफ है कि वो किसकी गार में रह रहा है।
तो इसका लुत्फ उठाएं। कैसे हैं आप? क्या आप यहाँ नए हैं? अब मैं यहाँ रोज चरने आता हूँ, इसलिए मैं खुद को नया नहीं कहूँगा। ओह, तुम एक मजाक या तबीयत के छोटे से जानवर हो। एक लोमड़ी भैंसे को छोटा कह रहा है, ये सचमुच ही मजाक है। मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं जंगल का बादशाह हूँ। वो मेरी गार है जिसमें तुम रह रहे हो। सभी जानवर यहाँ मेरे रहमो करम पर हैं। हाँ, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आगे सजदा करना होगा, समझे? तुमने दुरुस्त फरमाया, मैं यहाँ नया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँ। सुनो लोमड़ी, मुझे इस बात का इल्म है कि तुम इस जंगल के बादशाह नहीं हो। दरअसल मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी इल्म नहीं होगा कि ये जंगल कितना गहरा है। मेरा मशवरा है कि तुम मेरा वक्त जाया ना करो। टिमी अंदर ही अंदर गुस्से में सुलग रहा था और वो गुस्से से कांपने लगा। उसने कसम खा ली कि एक दिन वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा। दूसरी तरफ बाउंटी ये समझ गया कि उसे अब और एहतियात बरतनी होगी। उस चालाक लोमड़ी को इसका इल्म है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर निगाह रखे हुए है। साथ ही इससे पहले मैंने ये सोचा नहीं था, पर वो गार जरूर किसी न किसी का होगा। मैं तब क्या करूँगा जब इस गार का असली हकदार वापस आ जाएगा। मुझे और भी ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। उस रात चांद और उसकी चांदनी पूरे शबाब पर थी। जब बाउंटी गार के अंदर लेटा था, उसने कुछ सुना। उसने एक छोटे से छेद से बाहर झांका और एक अजीब सी परछाई देखी। पहले उसने ये सोचा कि लोमड़ी वापस आ गया है उसे दोबारा परेशान करने के लिए, पर जब वो सह करीब आई, बाउंटी खौफ से थर थर कांपने लगा। ये था असली हकदार, शेर। ओह नहीं, यकीनन ये गार शेर की है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे शेर नजदीक आते गया, बाउंटी का खौफ बढ़ता गया। रुको रुको, साफ नजरिए से सोचो, इत्मीनान रखो। हाँ, मैं उसे देख सकता हूँ, पर वो मुझे नहीं देख सकता। ये मेरे लिए फायदेमंद है। लो, वो आ रहा है। हाँ? तुम्हें क्या हो गया है? वो हमें सुन लेगा। ओह हाँ, दुरुस्त फरमाया, पर वो कितना लजीज लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ जो रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों उसे मिलकर खा सकते हैं? यकीनन तुमने दुरुस्त फरमाया था। आज के लिए हमारे रात का खाना तय हो गया। बिल्कुल। अब शेर की बारी थी थर थर कांपने की। ये जानवर कौन है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर जाकर उस पर हमला करें? वो हम दोनों से तो नहीं लड़ सकता। ये चाल कारगर हुई। बिना एक पल भी सोचे शेर एक छलांग में जंगल से पार चला गया। बाउंटी ने राहत की सांस ली। अब उसे इल्म हो गया था कि किसी भी हालत में सुकून से रहने की क्या अहमियत होती है। अगले दिन जब टिमी जंगल में मटर गश्ती कर रहा था, वो शेर से जा टकराया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? रुको, मैंने तुम्हें डरा दिया? पर तुम तो एक शेर हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ, पर तुम अहमक हो अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे बड़े और खौफनाक जानवर यहाँ नहीं हैं। कल रात ही उनमें से दो से मैं रूबरू हुआ। उन्होंने मेरी गार पर इख्तियार कर लिया। मुझे अब नई गार तलाशनी होगी। रुको, क्या? वो जो तुम्हारी गार में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और खौफनाक है? हा? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो एक भैंसा है। और तुम्हारे दो कहने का क्या मतलब है? वहाँ पर सिर्फ एक ही भैंसा रहता है। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं इतना अहमक हूँ कि एक भैंसे से भाग जाऊँ? वहाँ दो बहुत बड़े दरिंदे हैं। दरिंदे? हाँ,
مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں کیا ہیں میں غار میں داخل نہیں ہوا بس ان کی آوازیں سنی وہ مجھ پر حملہ کرنے والے تھے اور اس سے پہلے ہی میں وہاں سے بھاگ آیا تم بیچارے شیر اس نے تمہیں بیوقوف بنایا وہاں کوئی درندہ نہیں ہے وہ ایک بھینسا ہے میں نے اس پر نگاہ رکھی ہوئی ہے اسی روز سے جب سے اس نے اس جنگل میں قدم رکھا ہے بکواس بند کرو لومڑی میری بے عزتی کرنے کی تمہاری جرات کیسے ہوئی تم سوچتے ہو کہ میں اتنا احمق ہوں کہ ایک بھینسے کو ایک خوفناک جانور سمجھ لوں میں تمہیں یہ ثابت کر سکتا ہوں تم اس کے شکار نہیں ہو وہ تمہارا شکار ہے چلو ایک کام کرتے ہیں میں تمہارے ساتھ آؤں گا ہم اس غار میں داخل ہوں گے اور میں تمہاری مدد کروں گا اسے پکڑنے میں جو کوئی اندر ہے ویسے بھی میں اس بد دماغ بھینسے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں پر تمہاری کار کے عوض میں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ پر کبھی حملہ نہیں کرو گے کیا تم سچ کہہ رہے ہو پر رکو کیا ہوگا اگر تم بھاگ جاؤ مجھے وہاں پیچھے چھوڑ کر مجھے پتا ہے چلو اپنے گرد ایک رسی باندھ لو ایک سرا تمہارے پیٹ پر اور دوسرا میرے پیٹ پر اس طرح تم مجھے پیچھے کھینچ سکتے ہو اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی سودا پکا شیر مان گیا ان دونوں نے اپنے گرد ایک رسی باندھی اور وہ غار کے جانب چلنے لگے لومڑی خوش تھا اس نے دونوں ہی کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا باؤنٹی کو سبق سکھانا اور شیر کا بھروسہ حاصل کرنا جب وہ غار کے قریب آئے باؤنٹی نے انہیں آتے دیکھا جیسے ہی اس نے لومڑی کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ کیا چل رہا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے رکو اب میری بات سنو ٹھیک ہے تبھی غار میں داخل ہونا جب میں تم سے کہوں تم بے وقوف لومڑی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے لیے دو شیر لانا اور تم صرف میرے لیے ایک ہی لائے ہو کیا ہم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے اور اب تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں ایک ہی شیر کو آپس میں تقسیم کریں تم ان کے لیے کام کرتے ہو نہیں 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 یہ سچ نہیں ہے تم انتہائی نکمے ہو ٹھیک ہے اندر لے آؤ اسے شیر اپنی جان بچا کر بھاگا وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس نے چنی کی بابت بھی نہیں سوچا جو رسی کے دوسرے سرے پہ بندھا تھا بہت درد ہو رہا ہے یہ اس لومڑی کو سبق سکھائے گا میں نے ایک بہت اہم سبق سیکھا ہے اگر میں نے خود کو پرسکون نہ رکھا ہوتا تو میں ان دونوں کو بھگا نہیں پاتا چاہے حالات کتنے بھی دشوار کیوں نہ ہو ہمیں ہمیشہ پرسکون رہنا چاہیے باؤنٹی صحیح تھا صرف اس لیے کہ ہر مشکل حالت میں وہ سکون سے رہا وہ خود ہی خود کی مدد کر سکا اور جہاں تک لومڑی کا سوال ہے اسے بھی اپنا سبق مل گیا ہوگا